कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन किस तरह होती है और होती क्या है, ये हम आज करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन इज एसेंशियल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज टू अचीव देयर हाईएस्ट अटेनेबल लेवल ऑफ हेल्थ, मैक्सिमम इंडिपेंडेंस लेवल तक रीच करना या करवाना रिहैबिलिटेशन कहलाता है। द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज calls for appropriate measures including proper support to enable persons with disabilities to attain and maintain maximum independence, full physical, mental, social and vocational abilities and full inclusion and participation in all aspects of life. Fully independent karna uski disabilities ke saath कि वो प्रॉपरली सोसाइटी में बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के पार्टिसिपेट कर सके, उस प्रोसेस को रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। रिहैबिलिटेशन बेसिकली गोल्स ऑफ CBR, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि आप कम्युनिटी में रहते हुए कम्युनिटी के सारे नॉर्म्स और कल्चर को मेंटेन करते हुए रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को किस तरह स्टैंडर्ड करेंगे। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन द की एक्टिविटीज ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इंक्लूड ट्रेनिंग फैमिलीज एंड कम्युनिटी मेंबर्स ऑन डिसेबिलिटी एंड CBR यूजिंग द WHO CBR ट्रेनिंग मैनुअल एज अ गाइड। ट्रेन करना है आपको, ये सिर्फ पर्सन टू पर्सन बात नहीं हो रही। जब आप कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पूरी कम्युनिटी के जिस सोशल एनवायरनमेंट में वो इंडिविजुअल रहता है। द अदर की एक्टिविटी इज रेफरिंग पीपल विद डिसेबिलिटी टू स्पेशलिस्ट सर्विस। अगर किसी को स्पेशल सर्विस की जरूरत है तो उसको आप रेफरल की तरफ ले जाएंगे। सर्जिकल एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज वेयर फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आर अवेलेबल। डिपेंड करता है आपकी डिसेबिलिटी क्या है, उस लिहाज से आपको फिजिकली या मेंटली या अदर जो कंडीशंस होती हैं उस लिहाज जो हैंडीकैप होते हैं वो उस लिहाज से रिहैबिलिटेशन की नीड पड़ेगी। अगर रेफरल की जरूरत है तो उसको रेफर कर दिया जाए। प्रोवाइडिंग असिस्टिव डिवाइसेस, this is also the key factor or key role of community based rehabilitation ke aap kisi ko koi kisi disability mein hai usko disabilities aap maximum independence tak jab lekar jayenge to aapko usko kisi supportive device ki zarurat agar hai to wo devices provide karna। supportive devices mein aa jayega walking sticks, crutches, wheelchair, hearing aid or glasses। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे कि आपको किस चीज की जरूरत है। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ट्रेनिंग, जॉब कोचिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इनकम जनरेशन एक्टिविटीज, प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर सोशल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फॉर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। उस इंडिविजुअल को जो फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप है उसको सोसाइटी में इंक्लूड कैसे करना है, उसकी इनकम का, ये सब क्राइटेरिया फॉलो करते हुए जब कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट डिजाइन किए जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह के कोर्सेज भी सिखाए जाते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है ये किस तरह की जॉब कर सकता है, तो इसको कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए। द रोल ऑफ CBR इज टू प्रमोट, सपोर्ट and implement rehabilitation activities at the community level and facilitate a referral to access more specialized rehabilitation services। ab desirable outcome kya ho sakte hain rehabilitation, community based rehabilitation ke program ke, people with disabilities receive individual assessment and are involved in development of rehabilitation plans outlining the services they will receive। People with disabilities and their family members understand the role and purpose of rehabilitation
and receive accurate information about the services available within the healthcare sector. People with disabilities are referred to specialized rehabilitation services and are provided by follow-up to ensure that these services are received and meet their needs. आपको किसी भी इंडिविजुअल की असेसमेंट के बाद आपने एक रिहैबिलिटेशन प्लान आउटलाइन कर लिया और अब डिजाइन कर लिया है कि अब ये रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, तो उस इम्प्लीमेंटेशन का आपने पूरी गाइडलाइन उसकी सोशल एनवायरनमेंट मतलब उसके साथ रहने वाले इंडिविजुअल को जब समझा दी और उसके बाद फिर आप जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका प्रॉपरली फॉलो अप करना है कि जो गाइडलाइन जो ट्रीटमेंट प्लान आपने जो रिहैबिलिटेशन प्लान डिसाइड किया है वो उसकी नीड्स पे मीट कर रहा है, उसके गोल्स को जो गोल्स डिसाइड किए गए हैं वो अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता या नहीं कर रहा. द बेसिक रिहैबिलिटेशन सर्विसेज आर अवेलेबल एट द कम्युनिटी लेवल. Resource material to support rehabilitation activities undertaken in the community are available for CBR personnel, people with disabilities and families. CBR personnel receive appropriate training, education and support to enable them to undertake rehabilitation activities. Jo designed rehabilitation program hai wo aapka कम्युनिटी बेस्ड होता है कि पूरी कम्युनिटी इंक्लूड होती है, किसी भी डिसेबल इंडिविजुअल को जो है सोसाइटी में इंडल्ज करने के लिए कि वो किस तरह फिजिकली मेंटली इंडिपेंडेंट होके अपने टास्क परफॉर्म कर सकता है. तो इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडलाइन की जरूरत होती है जो आपको कम्युनिटी को देनी है. अब आता है व्हाट इज हैंडीकैप केयर. हैंडीकैप क्या होता है? हैंडीकैप इज एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इन अ मैनर नॉर्मल टू इंडिविजुअल. रिहैबिलिटेशन एनहांस एंड रीस्टोर द फंक्शनल एबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू दोज विद फिजिकल इम्पेयरमेंट एंड डिसएबिलिटी. कोई भी फंक्शन प्रॉपरली नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह नहीं हो रहा किसी भी डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट की वजह से, तो उस कंडीशन को हैंडीकैप कहा जाता है. इसको रिस्टोर कर सकते हैं आप रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के थ्रू. अब WHO ने हैंडीकैप की 6 टाइप्स बताई हैं. लोकोमोटरी हैंडीकैप जिसमें आपके पैराप्लेजिया में डिपेंड करता है कि किस तरह का पैरालिसिस हो जाता है, मोनोप्लेजिया है, डायप्लेजिया है, पैराप्लेजिया है, ये आपका फिर डिपेंड करता है. हियरिंग एंड स्पीच हैंडीकैप, लॉस ऑफ हियरिंग एंड इनएबिलिटी टू स्पीच. कार्डियोपल्मोनरी हैंडीकैप, रेस्पिरेटरी या कार्डिक इशू हो रहा हो जिसपे जो है किसी भी आपको सपोर्टेड डिवाइस की जरूरत पेश आ जाए तो वो कार्डियोपल्मोनरी हैंडीकैप में आ जाएगा. विजुअल हैंडीकैप, विजुअल हैंडीकैप क्या होते हैं कि आपको ग्लासेस की जरूरत हो रही है या किसी भी इस तरह की प्रॉपर विजन के लिए जिन चीजों को प्रॉपरली अकोमोडेट करने के लिए असिस्टिव डिवाइस की जरूरत हो वो विजुअल हैंडीकैप कहलाएंगे. मेंटल हैंडीकैप एंड इमोशनली डिस्टर्ब. फिर आ जाते हैं व्हाट इज इम्यूनाइजेशन. अब इम्यूनाइजेशन से फायदा क्या होता है कि जब बर्थ होती है किसी भी एक न्यू लाइफ की जब बर्थ होती है तो उसको सोसाइटी में जो आपकी एनवायरनमेंट में जो बीमारियां हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है उसकी बॉडी में. वैक्सीन स्टिमुलेट करती है बॉडी के इम्यून सिस्टम को और फिर किसी भी इंफेक्शियस डिजीज या इस तरह के वायरसेस के खिलाफ बॉडी को लड़ने की ताकत प्रोवाइड करती है. अब कौन कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है कब, ये वो चार्ट है. बर्थ पे 2 वैक्सीन, एट द टाइम ऑफ बर्थ 2 वैक्सीन फॉरन लगा दी जाती हैं. एक होती है OPV और एक होती है BCG. BCG वो जो सबके हाथ पे एक इंजेक्शन का निशान रह जाता है वो BCG का होता है. OPV के फिर 5 डोज और लगते हैं
वो डिपेंड करते हैं आपके अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से। फिर अगली वैक्सीन लगेगी 6 हफ्ते में ओपीवी, पेंटावेलेंट और पीसीवी। 10th week में ओवी, पेंटावेलेंट, पीसीवी अगेन बूस्टर डोज। 14th week में फिर सेम वैक्सीन। 9th month में फिर मीजल्स की वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है न्यू लाइफ की बॉडी में। 12th month में हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स। 15th month में पीसीवी। 18th month ओपीवी प्लस हेपेटाइटिस ए। बच्चा 2 साल का हो उसके बाद लगती है टाइफाइड की वैक्सीन। 4 से 5 साल ओपीवी प्लस चिकन पॉक्स और डीपीटी की वैक्सीन लगती है। और 10 ईयर तक टेटनस की वैक्सीन। फिर जो रिहैबिलिटेशन के क्राइटेरिया में आते हैं वो आ जाते हैं मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ईटिंग अ डाइट इन विच वन और मोर न्यूट्रिएंट आर ईदर नॉट इनफ और आर टू मच सच दैट डाइट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। मेल न्यूट्रिशन इज ऑफन यूज टू स्पेसिफिकली रेफर टू अंडर न्यूट्रिशन वेयर एन इंडिविजुअल इज नॉट गेटिंग इनफ कैलोरीज, प्रोटीन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्रॉपरली डाइट अवेलेबल नहीं है तो आप मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन में चले जाएंगे। अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन अदरवाइज द टर्म मेल न्यूट्रिशन रेफर टू अंडर न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट टाइप। एस ए एम रेफर्स टू चिल्ड्रेन विद सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन एंड एम ए एम रेफर्स टू मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। अब जो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन जो होती है इसको 2 में डिवाइड किया हुआ है। एक है वाशकोर इज अ फॉर्म ऑफ सीवियर प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन कैरेक्टराइज्ड बाय एडिमा एंड इनलार्ज्ड लिवर विद फैटी इनफिल्ट्रेट। इट इज कॉज्ड बाय सफिशिएंट कैलोरी इनटेक। कैलोरी इनटेक पूरा है पर प्रोटीन का कंजप्शन इनसफिशिएंट है। तो इस कंडीशन में जब आपको एडिमा मिल रहा हो, इनलार्ज लिवर मिल रहा हो तो वो वाशकोर की कंडीशन में जाता है, उसको प्रोटीन इनसफिशिएंसी है। मेलास्मस इज अ फॉर्म ऑफ सीवियर मेलन्यूट्रिशन कैरेक्टराइज्ड बाय एनर्जी डेफिशिएंसी। प्रॉपर डाइट ना मिलने की वजह से अगर प्रॉपर मेटाबॉलिक सिस्टम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो उस एनर्जी के डिक्रीज को आप मेलास्मस कहेंगे। अब रिहैबिलिटेशन की इंटरवेंशंस क्या होंगी अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से। अ वाइड रेंज ऑफ रिहैबिलिटेशन इंटरवेंशन कैन बी अंडरटेकन विद इन द हेल्थ सेक्टर। अब ये एग्जांपल्स हैं। रिहैबिलिटेशन फॉर अ यंग गर्ल बॉर्न विद सेरेब्रल पाल्सी मे इंक्लूड। अब उसको किस तरह के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में इंडल्ज करना है। इस तरह की गर्ल्स जो बच्चों को आप इंडल्ज कर सकते हैं प्ले एक्टिविटीज में ताकि उसकी मोटर और सेंसरी लैंग्वेज स्किल्स प्रॉपर्ली जितनी जल्दी डायग्नोज हो जाएगा उतनी जल्दी आप उसको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में इंडल्ज करके उसको मैक्सिमम इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। इंक्लूड प्ले एक्टिविटीज टू इंकरेज हर मोटर सेंसरी लैंग्वेज डेवलपमेंट an exercise program to prevent muscle tightness and development of deformities and provision of a wheelchair with a specialized insert to enable proper positioning for functional activity. A young boy who is deaf blind might include working with his parents to ensure they provide stimulating activities to encourage development, functional mobility training to enable him to negotiate his home and community environment and teaching appropriate communication methods such as touch and signs. ये आपकी interventions change होती जाएंगी हर conditions के हिसाब से। cerebral palsy का patient है तो उसको आपको ये चीजें ये rehabilitation assistance provide करनी है। अगर सिर्फ deaf और blind है तो आप उसको languages सिखाएंगे ताकि वो properly सोसाइटी में मूव कर सके। रिहैबिलिटेशन फॉर एन एडोलेसेंट गर्ल विद एन इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। अब इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट की
एडोलेसेंट गर्ल है उसको आप क्या सिखाएंगे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में, उसको प्रॉपर हाइजीन, किस तरह आपने आपकी केयर करनी है, मेंस्ट्रुएशन केयर, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज विद द फैमिली टू एड्रेस बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल इंटरेक्शन इनेबलिंग सेफ कम्युनिटी एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें आपको उसको गाइड करनी होंगी ताकि वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करे कम्युनिटी में मूव करने से. Rehabilitation for a young man with depression might include counseling to address underlying issue of depression. Underlying issue of depression जानना ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर वो इशू रिजॉल्व नहीं होगा तो डिप्रेशन नहीं रिजॉल्व हो सकता. Training in relaxation technique to address stress and anxiety and involvement in a support group to increase social interaction and support network. A middle-aged woman with a stroke might include lower limb strengthening exercise, grade training, functional training to teach her to dress, bath, and eat independently, provision of a walking stick to provide support for balancing difficulties and exercises to facilitate speech recovery. Rehabilitation for an older man who has diabetes and recently had both legs amputated below the knee might include strengthening exercises, provision of prosthesis and a wheelchair and functional training to teach mobility and transfer skills and daily living skills. ये आपको जिस तरह हम treatment के लिए conditions को matter करते हैं इसीलिए आपको rehabilitation के लिए condition matter करनी पड़ेगी कि उसको किस चीज की जरूरत है. सिर्फ वही needs उसको provide की जाए और उसको उसका comfort zone provide किया जाए ताकि वो अपने आप को isolate ना करे. अब व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन. प्रिंसिपल क्या है कि जो इंडिविजुअल है हैंडीकैप या डिसेबिलिटी या कोई भी इम्पेयरमेंट तो उसको इंक्लूजन, रिमूव ऑल काइंड ऑफ बैरियर विच ब्लॉक पीपल विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम एक्सेस टू द सोसाइटी, उसको इंक्लूजन करना है, सोसाइटी में इंडल्ज करना है, उसके वो बैरियर्स जो उसको सोसाइटी में मूव करने से रोकते हैं वो चीजें उसको प्रोवाइड करनी है, उसको मैक्सिमम इंडिपेंडेंट लेवल तक लेकर आना है. पार्टिसिपेशन फोकसेस ऑन डिसेबिलिटीज, इट डिपेंड ऑन पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज. इक्विटी, इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड राइट्स, इक्वल सिटीजनशिप. Self advocacy involves people in all issues related to their well-being. It means self determination. Facilitation. CBRs require multi-sectoral collaboration to support the community and support to individual needs of people. ये सारे principle हैं आपकी community based rehabilitation के कि आप पहले उसको indulge करेंगे society में और उसको participate करवाएंगे कि वो normal लोगों की तरह अपने आप को इक्वल जो राइट्स है उसके उसके साथ अपनी सोसाइटी में मूव कर सके. और कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन एक पूरा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है कम्युनिटी का जिसमें आपकी कोलैबोरेशन डिफरेंट सेक्टर्स से होती है कि इस तरह जैसे कंप्यूटर के कोर्सेज सिखा दिए जाते हैं जिन लोगों को ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सके. ये हो गया पूरा कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन.